असलकुम क्या हाल है आप सबका उम्मीद है सब, सब खैरियत से होंगे मेरा कुछ सामान आया है आज पाकिस्तान से तो वो मैं खोल रही हूँ तो मैंने सोचा साथ, साथ आपको भी दिखा देती हूँ मेरी फ्रेंड आ रही थी पाकिस्तान से तो उनके हाथ मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं तो पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा हो बाय हैंड चीज़ें मंगवानी हो तो ये कैसे हो सकता है कि हम बर्फ़ी ना मंगवाएँ तो हमारे इलाके में ये शॉप है महमूद स्वीट शॉप इनकी बर्फ़ी जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है बहुत जगहों से बर्फ़ी खाई है हमने लेकिन इनकी जो बर्फ़ी होती है ना असली जिस तरह वो खोए की बर्फ़ी होती है ना उस तरह से टेस्ट आता है इसका तो कोई भी पाकिस्तान से आ रहा हो तो हम ये बर्फ़ी जो है वो ज़रूर मंगवाते हैं आपके इलाके की भी कोई ख़ास मशहूर चीज़ है जो आपको बहुत पसंद हो और आप पाकिस्तान से मंगवाते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा अब मैं आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए हैं तो ये जो पहला ड्रेस है ये मैंने अपने लिए मंगवाया था ये टू पीस स्टिच सूट है और ये मैंने ऑर्डर किया था वानिया से तो इसका मैं जो वेबसाइट है ना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इनकी वेबसाइट पे बेसिकली बिल्कुल जो जैसे घर पहनने के लिए होते हैं ना ड्रेसेस इस तरह से हैं बिल्कुल कैजुअल वेयर के या मैं अपनी बेटी के लिए लेती हूँ यहाँ से कुर्ते वगैरह अच्छे होते ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह के तो नहीं होते प्रिंटेड ही होते हैं इनके लेकिन अच्छे होते हैं सॉफ्ट और कंफर्टेबल से तो ये जो मैंने अपना मंगवाया है ये ब्लैक कलर का है इसके ऊपर सारा ये प्रिंट है रेड और ऑफ वाइट से कलर का और साथ ट्राउज़र है इसका और अपनी बेटी का भी मैंने सेम इसी तरह का मंगवाया है आ, सेम टू सेम वही डिज़ाइन है असल में ये मैंने अपना वो जो मंगवाया था वो भी किड्स कलेक्शन में से ही था तो इनकी जो सेवनटीन टू एटीन ईयर्स वाले जो सिक्स या सिक्सटीन टू सेवनटीन ईयर की एज के जो आ, बच्चों वाला जो सेक्शन होता है उसमें भी अगर आप चेक कर लें तो साइजेस जो हैं वो पूरे आ जाते हैं बल्कि मुझे थोड़ी सी जो इसकी फिटिंग है वो टेलर से करवानी पड़ी थी तो मैंने अपनी बेटी का भी सेम उसी तरह का मंगवाया है कि हम दोनों जो हैं वो एक जैसा पहनेंगे उसके बाद मैंने अपनी बेटी का एक और ट्राउज़र शर्ट मंगवाया था ये है ऑरेंज कलर का टेंजरिन सा कलर है इसका और इसके ऊपर जो है ये कुछ एनिमल्स बने हुए हैं उसको ज़रा इस किस्म की चीज़ें पसंद होती हैं तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ऑर्डर किया था और इसके साथ ट्राउज़र जो है वो सी ग्रीन कलर का है तो कैजुअल वेयर के लिए ठीक है इनके ड्रेसेस अगर आपने चेक करना हो तो वेबसाइट जो है वो मैं नीचे लिंक में डाल दूँगी इसके बाद मेरा ये फ्रॉक है ऑफ वाइट कलर का ये एथनिक से मैंने लिया था और इसके ऊपर पर्पल कलर की जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके जो बॉडीज़ है उसके ऊपर और वैसे ये बिल्कुल लंबी जो फ्रॉक होती है ना एंकल लेंथ वो फ्रॉक है ये और इसके दामन के ऊपर जो है ये सारा प्रिंट बना हुआ है तो बहुत अच्छा डिसेंट सा फ़्रॉक है ये ये मैंने वन पीस ही लिया था और इसके साथ दुपट्टा जो है वो फिर मैंने अलग से लेके तो उसके ऊपर पिंक कलर की जो है वो फ्रिल लगवाई थी अच्छा उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने मंगवाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो लिविंग रूम का सोफ़ा है वो बिल्कुल किचन के साथ है तो मुझे उसको कवर करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए थी जैसे सोफ़ा कवर्स वग़ैरह होते हैं ना तो मैंने के लिनन से ऑर्डर किया था ये सोफ़ा कवर तो ये भी अब आया है तो इसको अब मैं देख रही थी ये तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आ, मैट्रेस कवर होता है ना जैसा फिटेड शीट्स होती हैं यहाँ पे बिल्कुल वो चीज़ लग रही थी मुझे इसका स्टफ़ भी वही था और बिल्कुल उसी तरह साइड से जो है वो सिला हुआ था मेरा ख्याल था कि शायद ये सोफ़े की शेप का होगा लेकिन अगर को, कोई फिटेड शीट भी अगर आप इसके ऊपर डाल लें तो ये सेम वही चीज़ ही बन जाती है तो ये बस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था हालांकि मेरा ख्याल था कि के, के लिनन के जो सोफ़ा कवर्स हैं वो अच्छे होंगे इनकी काफ़ी बेडशीट्स के बारे में तो काफ़ी मैंने सुना हुआ है कि अच्छी होती हैं इसको खैर मैंने सोफ़े के ऊपर कवर करके देखा था तो कवर तो हो गया था जैसे आप देख सकते हैं लेकिन साइड से जो है ना वो अच्छी तरह से अंदर टक इन नहीं हो रहा था हो सकता है मुझे इसको कवर करना नहीं आया ठीक से या शायद ये साइज़ में कुछ ज़्यादा बड़ा था लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये अगर आप में से भी किसी ने के लिनन की कोई चीज़ यूज़ की हुई है या सोफ़ा कवर्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको किचन में दिखाती हूँ ज़रा कि ये देखें किचन में क्या हो रहा है आज हमने ग्रिल करनी थी तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो सारे कबाब और जो चिकन टिक्का जो होती है ना बोटियाँ वो उसकी सारी सीखें है जो हैं वो किचन में रेडी कर रहे हैं ताकि जैसे ही हम बच्चे आएँ स्कूल से तो हम फिर जो है ना ग्रिल स्टार्ट कर लें तो ये देखें सारे कीमा और जो चिकन टिक्का है न वो रेडी हो रहा है अच्छा ये अब मेरे बेटे का ड्रेस है ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ मेरे पास वेस्ट कोट पड़ी हुई थी डीप ब्लू कलर की ना नेवी ब्लू कलर की उसके साथ मैच करके मैंने शलवार कुर्ता मंगवाया है लाइट ग्रे कलर का तो ये मैं आपको खोल के फिर दिखाती हूँ बहुत अच्छा इसका सॉफ्ट सा कपड़ा है और ये लोकल ही किसी शॉप से अम्मी ने लिया था और इसकी जो बैन है और आगे जो पट्टी है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो अच्छा लगा था मुझे सिंपल सा और कपड़ा भी जो है ना वो इसका बहुत सॉफ़्ट है ज़्यादा माया वाले और जो कॉटन के होते हैं वो मुझे बच्चों को पहनाने जो है वो इतने नहीं पसंद क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़ी देर के बाद तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं तो सॉफ्ट सा कपड़ा हो तो ठीक रहता है ईद वाले दिन वैसे भी इस तरह के ड्रेसेज जो हैं वो यहाँ पर तो ईदों पर ही पहने जाते हैं या जुम्मे पर पहने जाते हैं जुम्मे वाले दिन तो इस वजह से सॉफ्ट कपड़ा जो है वो ठीक रहता है तो उसके बाद ये कुछ बुक्स आई हैं बच्चों के लिए ये अब मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी खोल के देखने के लिए उसको ज़रा इस किस्म की चीज़ें पसंद होती हैं जो एक्टिविटी बुक्स होती हैं ना तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी टेन का पैक है ये और कुछ इसमें उर्दू की भी थी एक दो कुछ जो है वो इंग्लिश की थी एक दो मेरा ख्याल है मैथ्स की भी थी तो इसके साथ ही ये पेन भी था तो बच्चे जैसे लिख के उसके बाद इसको वाइप करके तो दोबारा भी इसके ऊपर लिख सकते हैं उसके बाद जो है ग्रिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी तो मुझे बार बार आवाज़ें आ रही थी कि जल्दी से आ जाओ कैमरा बंद करो अब और आके ग्रिल खा लो तो ग्रिल का मज़ा ही तब आता है जब सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हो ना तो साथ साथ बातें चल रही हों साथ साथ गरम गरम ग्रिल आप खा रहे हो तो उसका ना एक अलग ही मज़ा होता है तो मौसम भी आज बहुत अच्छा था बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं थी तो ऐसा ही मौसम हो तो फिर ही ग्रिल का मज़ा आता है ग्रिल जो है जब हम बनाते हैं तो उसके साथ फिर हम और कोई चीज़ नहीं बनाते तो मैं बच्चों को और बाकी सब को जो है ना इस तरह रैप्स बना के दे रही थी तो बस मैंने रैप्स जो है उनको गर्म किया था उसके ऊपर दही की चटनी लगाई थी और उसके ऊपर सीख कबाब और जो टिक्के थे वो थोड़े थोड़ा लगा रही थी और साथ सैलड था वो लगाया था और बस इसको रोल करके यही बच्चों ने भी खाया था और हम लोगों ने भी इसी तरह इसको खाया था ग्रिल जो है ना वो मसाला हमने काफ़ी ज़्यादा बना लिया था और थे तो हम सिर्फ घर वाले ही तो काफ़ी ज़्यादा हो गया मसाला तो हमने सोचा कि चलो अब इस तरह करते हैं ग्रिल को स्टॉप करते हैं और यही वाला मसाला जो है ना इसको फ्रीज़ कर लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो है वो फिर दोबारा से फ़्रेश बना के तो फिर खाएंगे ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़